जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आज सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। एक साथ दो जगहों पर आतंकियों के खिलाफ ये बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा और सोपोर में कल तीन आतंकियों को मार गिराया था। तीन में से दो मारे गए आतंकी लश्कर के थे। सोपोर में मारे गए आतंकी की पहचान हनजुल्ला के रूप में हुई है, जो पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला था। वहीं कुपवाड़ा में मारे गए पाकिस्तानी आतंकी की पहचान तुफैल के रूप में हुई है। कुपवाड़ा में मारा गया दूसरा आतंकी स्थानीय बताया जा रहा है। सोपोर में मारे गए हनजुल्ला के पास एक AK-47 राइफल और पांच मैगजीन बरामद की गई है। जानकारी के मुताबिक सोपोर में चार आतंकी थे, लेकिन एनकाउंटर शुरू होते ही तीन आतंकी भाग निकले। उनकी तलाशी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। और इसी खबर से जुड़ी हुई अशरफ वानी की रिपोर्ट देखिए। उत्तरी कश्मीर के बारामूला और कुपवाड़ा जिले में बीती रात दो अलग अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने तीन मिलिटेंट मार गिराए, जिनमें दो पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं। कल शाम को सोपोर के पास जंगलों में एक मुठभेड़ शुरू हुई थी, जिसमें एक पाकिस्तानी मिलिटेंट मारा गया और वहां से कुछ मिलिटेंट बागी में सफर रहे थे, जिनको सुरक्षा बलों ने पीछा करके कंडी के कुपवाड़ा इलाके में मार गिराया। सुरक्षा बलों में सूत्रों का कहना है कि लश्कर तैयबा का ये ग्रुप कुछ ही दिन पहले सीमा पार से जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने में कामयाब रहा था, और उसके बाद लगातार उनकी हरकतों पर नजर रखी जा रही थी और कल उनके साथ ये मुठभेड़ में उनको मारा गया है। मारे गए आतंकियों की पहचान हुई है, जिनमें एक लाहौर का हनजुल्ला और दूसरा भी पाकिस्तानी जो है आदिल बताया जा रहा है, जबकि तीसरा स्थानीय है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज।